इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास में है, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद, जिनसे मैंने कहा था कि अगर कोई बड़ी बात होगी हम आपके पास लौटेंगे। पता ये चला है कि भारत चीन विवाद की बहुत बड़ी खबर है, LAC में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। अब तक हमें यह मालूम था कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान और 1 कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन अभी ताजा खबर यह है कि भारत चीन के इस झड़प में जो कई घंटे तक चली थी 20 जवान शहीद हुए हैं। सीधे चलते मनीष प्रसाद के पास, जिन्होंने जानकारी दी है। मनीष जी, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसी का अंदेशा सुबह से ही था और जो आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस पे बहुत सतर्कता के साथ इस बात को रख रहे थे, और खासतौर पे अभी जो लगातार मीटिंग की गई उसी दौरान ये जानकारी निकल के आई। और 2-स्टार रैंक ऑफिसर और 3-स्टार जो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर में है, उन्होंने हमें ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इस समय 20 कैजुअल्टी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई, उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां पर 1975 के बाद से लेकर अभी तक कोई भी कॉम्बैट एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब देर रात यानी करीबन 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो भारतीय सेना और चाइनीज PLA की जवान आमने सामने थे और वायलेंट जो एक्टिविटी चाइनीज PLA ने की उसमें भारतीय सेना के करीबन 20 जवान जिसमें ऑफिसर भी शामिल हैं उनकी कैजुअल्टी हुई है, उनको शहादत मिली है। यह पूरा स्टीपर एरिया है, इसीलिए जब चाइनीज PLA के करीबन 500 से ज्यादा की संख्या में जवान जो डिसएंगेज हो रहे थे, जो पीछे की तरफ जा रहे थे लेकिन वो नहीं गए, उसी दौरान उपद्रव उन्होंने मचाया और फिर से भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करके गलवान का जो पॉइंट है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की तरफ अंदर आने के बाद उन्होंने उपद्रव बहुत तेज किया और फिर इसी धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े में जो अपने साथ वो पूरे सोचे समझे तरीके से रॉड, सीमेंटेड रॉड, साथ में नुकीले कांटे लगे हुए रॉड, पत्थर, ये सब लेकर आए और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया। और इस वायलेंट एग्रेसिव जो धक्का मुक्की हुई चाइनीज PLA के द्वारा उसमें भारतीय सेना के ऑफिसर समेत करीबन 320 जो है वो जवान शहीद हुए हैं, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इसी को देखते हुए जो लगातार मैराथन बैठक का दौर जो 14 कोर साथ में त्रिशूल डिवीजन जो कि इस पूरे एरिया को मॉनिटर करती है वहां से लेकर दिल्ली तक चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जानकारी सटीक तौर पर दी गई और एस जयशंकर अभी मीटिंग खत्म करके वहां से निकले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी इसकी मामले की पूरी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैजुअल्टी का फिगर 20 है और जो सोर्सेज है वो ये भी बता रहे हैं क्योंकि इंजरी बहुत सारे लोगों जवानों की हुई है, ऑफिसर्स की हुई है, तो ये फिगर इंक्रीज भी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन 3-स्टार रैंक यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर ने हमें साफ तौर पे कहा है कि अभी तक 20 जवानों की शहादत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई है। रजत जी, जी मनीष, जैसा आप बता रहे थे सुबह भी आपने बताया था और बाद में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि गोली नहीं चली है इस बॉर्डर पे, एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है दोनों के बीच में, और जहां गोली न चले वहां इतनी बड़ी संख्या में जवान और ऑफिसर जिनकी जो शहीद हो जाए, जिनकी जान चली जाए, जिनका बलिदान हो जाए, इसका मतलब यह है कि जो चाइनीज सैनिक हैं वो ऐसे हथियार लेकर आए थे जिन्हें इस समझौते से बाहर माना जा सकता है। जी, ये सोचे समझे तरीके से प्लान्ड है, क्योंकि जब ये 6 जून को तय हुआ कोर कमांडर लेवल की बातचीत पे जिसपे 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर थे और साथ में मेजर जनरल ल्यू लिन जो कि साउथ शिनजियांग के कमांडर हैं, इनके बीच बातचीत हुई और डिसएंगेजमेंट का दौर शुरू हुआ। आपको बता दें कि आपने 2.5 किलोमीटर के लगभग पीछे चाइनीज PLA गए जिसमें वो अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को लेकर भी गए थे और फर्स्ट लेयर जो चाइनीज PLA की थी उसमें संख्या में कमी आई थी, और इसीलिए जब मैराथन बैठक का दौर चल रहा था तो उस दौरान जो कल सुबह के लगभग ब्रिगेड कमांडर और साथ में कमांडिंग ऑफिसर रैंक ऑफिसर की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय कर लिया था कि इस पोस्ट से यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से करीबन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ये दो चाइनीज PLA के जवान जाएंगे और यही देखने के लिए भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर दोबारा आए, शाम के लगभग आए करीबन 8:30-9 बजे के लगभग, डिसएंगेजमेंट जो था वो प्रोसेस पूरी तरीके से चल रहा है या नहीं, और फिर उसके बाद ये संख्या में इजाफा हुआ चाइनीज PLA के और वो आगे की तरफ आने लगे, और इसी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने साफ तौर पे कहा कि ये जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को है और साथ में डिसएंगेजमेंट के दौरान ये बात हुई थी 6 जून को उसका पालन करते हुए चाइनीज इंटरप्रेटर जो मौजूद था उसने बार बार चाइनीज PLA को बताने की कोशिश की, लेकिन जो अपने साथ वो हथियार जिस तरीके का लेकर आए थे, और ये बता दें रजत जी ये जो पूरा एरिया है बहुत ही स्टीपर है, गलवान का ये एरिया जो कि श्योक नदी के साथ कनेक्ट होता है, दरअसल यहां पे एक छोटी पगडंडी है और इसी के बीच दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो रही थी और ये झड़प इतनी ज्यादा उपद्रव हो
पाओगे, क्योंकि वेल प्लान तरीके से चाइनीज पीएलए आया था और वो करीबन 400 से 500 की संख्या में अपने जवानों के साथ था। भारतीय सेना उस दौरान करीबन 40 से 50 संख्या में थी, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के तौर पर भारतीय सेना ने इसका पूरा पालन किया था और वो पीछे की तरफ हटी थी। और फर्स्ट लेयर के बाद चाइनीज पीएलए भी सेकंड लेयर पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ था। तो अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी हमें मिल रही है रजत जी, दरअसल यही एक पूरे उपद्रव का मैटर था और चाइनीज पीएलए ने इसे मानने से इनकार किया और वो फिर अग्रेसिवली आगे की तरफ आए, ताकि जो गलवान का एरिया है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का, जिसे कहा गया था कि करीबन 5 किलोमीटर ये पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन ये पीछे की तरफ नहीं गए, अग्रेसिवली आगे की तरफ आए और यही वजह झड़प की रही। और इसमें भारी मात्रा में भारतीय सेना के जवानों की और ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हुई है। इस समय औपचारिक तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा हमें बताया गया कि करीबन 20 कैजुअल्टी एग्जैक्ट है, उसके अलावा इंजरीज हैं कुछ जवानों की और ऑफिसर्स की। और अगर आने वाले समय में ये क्लैरिटी और मिल पाएगी रजत जी कि आगे का स्टेप और एक्शन क्या है, और इसीलिए भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में एस जयशंकर की मैराथन बैठक होने के बाद यह पूरी रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री को खुद सौंपी गई है और इसमें प्लान ऑफ एक्शन अब मिलिट्री के तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर दोनों तरह से होगा। रजत जी, मनीष जो आपने बात बताई है बहुत बड़ी बात है, भारतीय फौज के 20 जवान शहीद हो जाएं और भारत के देश की रक्षा करते उनका जीवन चला जाए, इससे ज्यादा दुख की तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब जवान शहीद होते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि बहुत सारी संख्या में जवान घायल भी हुए होंगे, और मुझे जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि बिल्कुल जिस बड़ी संख्या में जवान गायब भी हैं। बिल्कुल रजत जी, और यही जानकारी हमें मिल रही है कि करीबन जो आंकड़ा है इस समय जो इंजरीज का, वो करीबन 10 से ज्यादा है। और मैं इसे बहुत कम करके इसलिए बोल रहा हूं रजत जी, क्योंकि जब तक ऑफिशियल ना आए इस पे औपचारिक तौर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो आकलन लगाया गया जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि करीबन 20 से 25 जवान घायल थे और 20 इसमें पूरी तरह से शहीद हुए, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही ब्रूटल इंजरी के साथ थे और फिर उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया मिलिट्री हॉस्पिटल, तब उन्होंने दम तोड़ा। तो ऐसे संख्या में 20 हो चुके हैं और करीबन 10 से 15 ऐसे जवान और ऑफिसर्स हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी है रजत जी। अब सबसे पहले यही मन में और ध्यान आता है कि 1975 के बाद जहां कॉम्बैट एक्शन नहीं हुआ, जहां गोली नहीं चली, वहां पर इस तरीके का एक्शन कैसे हुआ, उपद्रव कैसे मचा। तो यह बताना जरूरी है कि पेंगोंगसो में जब फिंगर फोर और फिंगर फाइव में मे 5 और मे 6 को जब एक्शन हुआ था, जिसमें दोनों सेनाएं फेस ऑफ थी, उस दौरान भी वहां के कमांडिंग ऑफिसर की स्कल इंजरी थी और साथ में करीबन दर्जनों से ज्यादा जवान भारतीय सेना के इंजर्ड हुए थे। चाइनीज पीएलए के भी जवान इंजर्ड हुए थे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स या फिर चाइनीज पीएलए पूरे कंट्रोल करके रखती है, इसलिए औपचारिक तौर पे कुछ नहीं आया। और उसी के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि गलवान से डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भी जो अग्रेसिव डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया है, जब वो एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तय हो गया कि चाइनीज पीएलए के जवान पीछे की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं गए और अग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आमने सामने की कंडीशन थी और यही हीट ऑफ द मूवमेंट बताया गया, क्योंकि उस समय भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स पूरे जो 6 जून की हुई मीटिंग और साथ में जो कल सुबह मीटिंग हुई थी उसका पूरा पालन करते हुए पीछे की तरफ हटे हुए थे। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए ने वॉल्फ के तौर पर, यानी भेड़ियों की तरह एक साथ इकट्ठा, वॉल्फ वॉरियर भी उनको कहते हैं, और उन्होंने सीधा अटैक किया। और अटैक करने के बाद वो स्टीपर लाइन है, काफी छोटी पगडंडी है, उसी के ऊपर वायलेंट अग्रेसिव अपना पूरा का पूरा कार्रवाई करते हुए इसमें 20 जवानों की शहादत हुई है भारतीय सेना की। मनीष, मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारी बटालियन ने पूरा जवाब दिया है, बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, और इसमें जो चीन की फौज है उसके 43 जवान मारे गए हैं। क्या इसके बारे में भी आपके पास कुछ जानकारी आई है? रजत जी, जो ऑफिशियल चैनल है, जो आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस के सीनियर ऑफिशियल जो इसको पूरा मॉनिटर करते हैं, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कैजुअल्टी का फिगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस समय अनआर्म्ड कॉम्बैट भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच हो रहा था, उस समय भारतीय सेना की जो यूनिट है जो वहां पर डिप्लॉय थी, वो उसके साथ फील्ड रेजिमेंट और साथ में और भी जवानों की संख्या वहां पर फिर धीरे धीरे तादाद संख्या बढ़ गई, और अनआर्म्ड कॉम्बैट में चाइनीज पीएलए को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी, और यही वजह थी कि उनकी इंजरीज और कैजुअल्टी फिगर भी काफी ज्यादा है। लेकिन औपचारिक तौर पर जो आंकड़े अभी तक बताए गए हैं, वो जो अनुमान ये लगाया गया भारतीय सेना के द्वारा कि ये आंकड़े उनकी तरफ भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 43 है या फिर उससे ज्यादा है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा रजत जी। लेकिन ये बता दें कि चाइनीज कैजुअल्टी
साइड पर भी चाइनीज पीएलए की कैजुअल्टी हुई है और उसके साथ साथ उनकी इंजरीज भी हैं, और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स से ये पहले ये कहा गया कि 5 कैजुअल्टीज और 11 इंजरीज हैं। फिर उसके बाद करीबन 2 से 3 घंटे के बाद ग्लोबल टाइम्स के जरिए ही कहा गया कि हम किसी भी तरह से कैजुअल्टी नहीं बताना चाहते, और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा चीन का एक बार फिर से उसने इस पर इस्तेमाल किया ताकि ये जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। लेकिन रजत जी, जो अभी अभी हमें जानकारी मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को एक एक डिटेल दी है इस बारे में, फोटोग्राफ्स भी शेयर किए गए हैं, बताया गया है, जो कि रक्षा मंत्री को दिया गया था, और आर्मी हेडक्वार्टर के जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि पूरी एक जानकारी के साथ कॉन्क्रीट डिटेल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है ताकि वो इस पे जो अगला प्लान ऑफ एक्शन है भारतीय सेना का वो तय हो सके। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि लोगों को ये लग रहा होगा कि गोली क्यों नहीं चली, फायर क्यों नहीं किया, या सोल्जरली जो जवाब है वो क्यों नहीं दिया, तो ये बता दें जो दोनों देशों के बीच ट्रीटी है, भारत कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करता, और यही वजह है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना बिल्कुल अडिग होकर खड़ी रही, कोई भी कहीं से उन्होंने फायर नहीं किया, और बल्कि चाइनीज पीएलए को पीछे धकेलने की कोशिश की जिसमें उनको नुकसान झेलना पड़ा। रजत जी, मनीष, मेरी जानकारी है कि ये कल शाम को सूरज ढलने के बाद ये जो जिसको ब्लड बाथ कहते हैं, आपस में संघर्ष है, ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे स्कफल से शुरू हुआ और ये मिडनाइट तक चला, करीब 7-8 घंटे ये संघर्ष चलता रहा, और आमतौर पर ये मुक्केबाजी या धक्का मुक्की तक सीमित रहता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि जो चाइनीज आर्मी के लोग हैं वो पूरी तरह तैयार होकर आए थे, वो रॉड्स लेकर आए थे और वो सीमेंटेड रॉड्स ही ऐसी थी जिनसे जान ली जा सकती थी इसी संघर्ष में, और अचानक उन्होंने ये हमला किया। ये बात सही है कि वो जा रहे थे और जाते जाते वापस लौटे और फिर ये हमला अचानक उन्होंने हमारी फौज पर किया। रजत जी, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस वो बिल्कुल क्लैरिटी देगा इस पूरे के पूरे इस मसले पर, खासतौर पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना आमने सामने क्यों आई। सुबह करीबन 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे कल बैठक हुई जिसमें ब्रिगेड कमांडर लेवल और साथ में जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उसी यूनिट के वो वहां पर मौजूद थे, दोनों के बीच बातचीत हुई और कहा गया कि 6 जून को जो बातचीत हुई थी कोर कमांडर लेवल की, उससे आगे बढ़ते हुए अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है पूरा किया जाए और अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करते हुए चाइनीज पीएलए के जवान जहां पर इस लोकेशन पे हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे, उससे करीबन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वापस जाएं, और यही प्रोसेस कार्रवाई की जा रही थी। दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि अब वो पीछे जाएंगे। करीबन शाम 5 बजे के लगभग जब ये बैठक खत्म हो गई, सनसेट हो गया, तो उसके बाद सभी लोग जो भारतीय सेना है और साथ में चाइनीज पीएलए हैं उनकी फर्स्ट लेयर पीछे की तरफ हुई। भारतीय सेना ने ये सोचा कि अब चाइनीज पीएलए पीछे हो गए हैं तो प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ वो पीछे की तरफ हुए लेकिन अलर्ट मोड पर थे। लेकिन जब दोबारा से करीबन 8:30 से 9:30 बजे के बीच जो यूनिट के कमांडर हैं जो वो आए और साथ में उनके साथ पूरी जो यूनिट के जवान थे वो आए करीबन 25 से 30 की संख्या में, उन्होंने देखा कि चाइनीज पीएलए उसी तरह से इंटैक्ट है और डिसएंगेजमेंट का जो अभी मॉर्निंग में जो तैयारी हुई थी, जो जिस तरीके की बात हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच, दरअसल उसको मानने को तैयार नहीं है। इसकी पूरी जानकारी तुरंत ब्रिगेड में दी गई, कोर में दी गई और फिर उसके बाद जो यूनिट के सीईओ हैं उन्होंने जाकर उनसे बात करने की कोशिश की। उस समय 2 इंटरप्रेटर चाइनीज इंटरप्रेटर वहां पे खुद मौजूद थे, उन्होंने लगातार इंटरप्रेट करके चाइनीज पीएलए को बताने की कोशिश की कि आप पीछे जाइए क्योंकि आप जो आज मॉर्निंग में दोनों देशों के बीच बात हुई है उसमें ये सहमति बनी है कि आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से। लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी चाइनीज पीएलए नहीं हटे और फिर वहीं से ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता चला गया और करीबन 11:30 बजे पहला आप ये समझ लीजिए ब्लड बाथ शुरू हुआ और फिर उसके बाद करीबन वॉल वॉरियर के तौर पर भेड़ियों की तरह एक साथ जैसे चाइनीज पीएलए आते हैं ठीक वही 500 से 600 की संख्या पर जो हमारे ऑनग्राउंड सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो करीबन 500 से 600 की संख्या में जो उनकी सेकंड लेयर थी वो आगे की तरफ आई और फिर उसके बाद ये उपद्रव वायलेंस में पूरी तरह से तब्दील हो गया और फिर उसके बाद दोनों तरफ से अनआर्म्ड कॉम्बैट हुआ। लेकिन क्योंकि फर्स्ट ये गलवान वही इलाका है रजत जी जहां पर आपको ध्यान होगा कि 9 और 10 तारीख के लगभग भी जब पेंगोंगसो में काफी फेस ऑफ कंडीशन थी उस दौरान ट्रकों में बैठकर चाइनीज पीएलए इसी जगह पर आए थे जो शाहीन एक्सरसाइज अपनी कर रहे थे वहां से सीधा यहीं पर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आर्मर्ड व्हीकल आर्टिलरी व्हीकल्स और ट्रक के अंदर बैठकर जिसके अंदर कीचड़ ढोया जाता है सामान तैयार किया जाता है रोड बनाया जाता है उसी के अंदर आए और इस पोजीशन को उन्होंने होल्ड किया। तो तब से लेकर अभी तक ये प्रेशर टेक्निक थी चाइनीज पीएलए की और इसीलिए भारतीय सेना के जवानों ने अग्रेसिव ऑपरेशंस के तहत अग्रेसिवली इनको पीछे करने की कोशिश की और फिर उसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट पूरी झड़प वायलेंट हो गई। रजत जी एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा हमें साफ तौर पर कहा गया कि भारतीय सेना ने किसी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन नहीं किया है यानी जिस तरह से चाइनीज
पीएलए बात कह रहा था कि भारतीय सेना ने उल्लंघन किया है, दरअसल वो पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। भारतीय सेना ने अपनी लोकेशन या अपने पॉइंट को किसी तरीके से उल्लंघन नहीं किया है। चाइनीज पीएलए ने ब्लड बात करना शुरू किया, उन्होंने उग्र प्रोटेस्ट उग्र जो है वो उपद्रव मचाना शुरू किया, ये वायलेंट हो गया। और भारतीय सेना किसी भी हालत में अभी तक इस पोजीशन पे भी इस समय पे भी अपनी लोकेशन को उन्होंने नहीं छोड़ा है रजत जी, और स्टेटस को अप्रैल 2020 का मेंटेन करने के लिए इस समय भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है रजत जी।